हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं खाने में आज कढ़ी बनाऊँगी। तो कढ़ी बनाने के लिए मैं बेसन में मसाले साले घोल के 15-20 मिनट के लिए मैं रख दी थी, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। तो उसके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। वो अच्छे से फूल चुके थे तो मैं वही छान रही हूँ यहाँ पे, और बहुत फ्लफी, बहुत बढ़िया बनते हैं, एकदम अंदर से हार्ड बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो 15-20 मिनट छोड़ने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से फूल जाते हैं और बहुत बढ़िया बनते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच पाए। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। वैसे तो कढ़ी बहुत तरीक़ों से बनती है, अपने अपना बनाने का तरीका है, दही डाल के, टमाटर वगैरह सब कुछ। तो मैं बहुत सिंपल सा और इजी, बहुत झटपट बनने वाला कढ़ी बना रही हूँ, जिसमें कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगने वाला है और जल्दी से तैयार भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी थी, और जब कढ़ी में ये छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं तो पता चल जाता है कि रेडी हो चुकी है। तो ये अब तैयार हो चुकी थी। तो मैं गैस को बंद करके जितने भी मैं बेसन के पकौड़े तली थी सबको इसमें डाल दूँगी, ताकि अच्छे तरीके से एकदम फूल और बहुत फ्लफी, बहुत अच्छे बने थे। सो मैं इसको डाल के चला दूँगी इसी में। आलू के चिप्स खाए हुए बहुत दिन हो चुके थे, तो मुझे लगा कि कढ़ी चावल जब मैं बना ही रही हूँ तो मैं आलू के चिप्स भी छान लेती हूँ, बिकॉज़ कढ़ी चावल पे आलू की चिप्स बहुत अच्छी लगती है। और मुझे तो, मेरा तो फेवरेट है, दही बड़े रहते तो और मज़ा आता। मेरे दही बड़े, कढ़ी चावल, सब्ज़ी, पापड़, सलाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये हल्दी का खाना होता है हमारे यहाँ, तो हल्दी में बनती है, और मेरा जब मन करता है ये बनाने का ना, तो मैं बना लेती हूँ। सो मम्मी चूल्हे पे रोटी बना रही हैं, क्योंकि उनको टाइम रहता है तो वो आके बना लेती हैं, नहीं तो खाना तो मैं ही रोज़ बनाती हूँ। और मुझे आदत नहीं है चूल्हे पे खाना बनाने की, मैं आज तक भी बनाई नहीं हूँ। खैर, मेरे घर है बट आज तक मैं बनाई नहीं हूँ। सो और पता नहीं, लगता भी नहीं है कि मैं कभी आगे बना पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि घर की साफ़ सफाई भी करनी है, तो सफाई करने से पहले ही मैं खाना खा लेती हूँ। सो खाना खाने के बाद मैं जितने भी सारे मेरे रूम में कपड़े थे, बुक्स वगैरह जो भी थे, मैं सारे निकाल दी थी, बिकॉज अच्छे तरीके से एकदम क्लीनिंग करने वाली हूँ मैं अपने रूम की। ऐसे नॉर्मली रूम देखने में लगता है एक रूम साफ़ है, हमेशा साफ़ होती है तो एकदम साफ़ है, बट जिस दिन पूरे अच्छे तरीके से क्लीनिंग करने लग जाओ तो उस दिन गंदगी एकदम बाहर से निकल के आती है अंदर से। सो मैं ऐसे पानी मार रही थी ना, तो जितने भी धूल जमा हुए थे ना, सारे बाहर आ रहे थे, एकदम चिपके हुए थे। बहुत दिन हो जाते हैं ना तो धूल मिट्टी पड़ी जाते हैं, इधर तो नीचे सब साफ़ होता रहता है, पर ऊपर का तो हटा के बहुत साल में 3-4 बार ही हो पाते, बाकी तो रूम ऐसे नॉर्मली तो हफ्ते में रोज़ 2-3 दिन साफ़ हो ही जाते, रोज़ साफ़ होते रहते हैं। तो वही मैं अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर रही हूँ आज, और पूरे जितने भी दरवाजे हैं, खिड़की है, सबको अच्छे तरीके से पोछ लूँगी। और दिवाली की साफ़ सफाई में तो सब कुछ होते हो, और जितने भी कपड़े वगैरह हैं मैं तो पहले ही सेट करके सब कुछ रख दी थी, ताकि कुछ ज़्यादा फैला ना लगे, इसीलिए पहले वो करके रख दी थी। मैं नहा के आ चुकी हूँ और बहुत सारा काम हुआ है, सारा खाना बनाना, फिर उसके बाद घर की साफ सफाई करना, बहुत सारा टाइम हो चुका है। और मैं इसीलिए पहले ही खाना खा ली थी, बिकॉज मुझे पता था कि साफ़ सफाई करना बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए मैं पहले ही खाना खा ली थी। और नहा के आने के बाद मैं जा रही हूँ अपने फेस में ट्री ऑयल लगाऊँगी, फिर उसके बाद मुझे थकान जैसी महसूस हो रही है, मैं सोऊँगी, बिकॉज नहाने।
मैंने हनी नग वाली बात मैंने खाना शुरू खा लिया है तो ठीक नहीं रहता है मैं कब जा सो हेलो फ्रेंड्स, तो शाम हो चुकी है और मैं अभी कुछ देर पहले जगी हूँ। हो चुके हैं लगभग 1 घंटे हो चुके, और जगने के बाद ना एकदम मन नहीं करता वीडियो बनाने का, कुछ भी करने का। और आजकल तो सोने के बाद ना सर बहुत भारी सा हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या की हूँ कि सारे जितने भी बेडशीट वगैरह थे सब सूख गए थे, तो मैं अपना सब कुछ रख ली हूँ जैसे था, रूम सब सेट कर ली हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, जितने भी कचरा वाला सामान था सारा फेंक दी हूँ रूम में। मुझे अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा कुछ रहता है, तो इसीलिए मैं बहुत कम सामान रखती हूँ। कुछ मैं रूम से सब कुछ हटा चुकी हूँ, सिर्फ बेड में लगाई हूँ, तकिया है और ये बैठने के लिए एक ठो यहाँ पे रखी हूँ। बाकी जितने भी सारे सामान थे इसमें सारे मैं कपड़े वगैरह सब कुछ रखी हूँ। और वहाँ से जो पेपर लगाई थी मैं उधर, क्योंकि उनका घर बन रहा था, पीछे में घर है बन रहा था, तो उसमें वो टूट रहा था तो सारा धूल बहुत आ रहा था, इसीलिए मैं पेपर वहाँ पे लगाई थी। तो बट अब पेपर हटा दी हूँ वहाँ से, और जितने भी इधर कुर्सी में लगाई थी वो कुर्सी भी मैं हटा दी हूँ। तो खाली खाली रूम अच्छा लगता है, ज़्यादा भरा हुआ कचरा बहुत, जितना रूम भरा हुआ होता है ना साफ़ करने में उतनी ही दिक्कत होती है। जितना बढ़िया फ्रेश रूम रहता है तो साफ़ करने में उतनी कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। मम्मी लोग भी नहीं है, भैया लोग भी कोई नहीं है, और पूरा घर। मैं लाइट यहाँ पे जला देती हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है, कोई नहीं है घर पे, एकदम खाली खाली है पूरा घर, देख सकते हैं। हल्की हल्की भूख लगी थी तो मेरा मन कर रहा था कुछ खाने का, तो अभी फिलहाल मैं आई हूँ किचन में और चाय बनने के लिए मैं दूध बैठा दी हूँ गैस पर, और अभी यहाँ पे अंडे रखे हुए थे तो मैं सोची कि ऑमलेट बना लेती हूँ, ऑमलेट और चाय हो जाएगा, फिर उसके बाद रात में तो खाना खाना ही है। तो मैं दो ले लूँगी ऑमलेट बनाने के लिए, और इधर मैं दूध बैठाई हूँ चाय बनने के लिए। और मैं ग्लास में ली हूँ क्योंकि ग्लास में ज़्यादा होता है चाय और कप में थोड़ा सा। तो पहले मैं ऑमलेट खा गई थी, चाय दी मम्मी को क्योंकि मम्मी ऑमलेट नहीं खाएगी। एक ग्लास से थोड़ा सा बस कम है, वैसे मैं रोज़ चाय पीती नहीं हूँ, वैसे तो मैं रोज़ वीडियो में बोलती हूँ, पर एक दो दिन बीच करके पी लेती हूँ क्योंकि रोज़ चाय पीना हानिकारक है सेहत के लिए। पता है मेरी मम्मी चाय बनाती है, चाय कम शरबत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये लोग क्या करती है ना कि दूध डालती है, दूध में चीनी चाय इलायची सब मिक्स कर देंगे, और चीनी तो इतना ज़्यादा रहेगा जितना दूध भी नहीं रहेगा, इसीलिए चाय कम और शरबत ज़्यादा लगता है। इसीलिए जब भी बनाना होता है चाय मैं ही बनाती हूँ तो बोल देती हूँ तुम रहने दो मैं बना लेती हूँ। चाय पी ली हूँ, और चाय पीने के बाद मैं सोची कि मैं फूल में भी पानी डाल देती हूँ, बिकॉज इन लोगों का भी ज़रूरी है सब कुछ, तो मैं डाल लेती हूँ। मौसम आ रही है तो सबसे में तो 2 दिन बन ही जाते हैं आलू के पराठे,
बहुत सारा आलू मिले तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो आलू भी अच्छा वाला मिलेगा क्योंकि इतने दिन उसको मीठा वाला आलू मिल रहे थे। और मम्मी तो हमारी कुछ भी खा लेती हैं, वो नहीं है कि मुझे ये जो सब लोग खाते हैं सब कुछ खा लेती है, इतना वो नहीं कि मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगता, ये इतना अच्छा नहीं लगता, नहीं सब कुछ खा लेती हैं। और मम्मी चूल्हे भी बना रही हैं, आलू का चूल्हे भी बना रही हूँ, और मैं इधर देख रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए।